टॉप बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग के लिए। तो यार अगर आपका बजट 50,000 है, 50,000 के बजट में आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मैं वीडियो स्पेशली आपके लिए कराऊंगा। इन 2021 में बहुत तगड़े लैपटॉप बताऊंगा। बात करते हैं सीधा नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है MI Horizon को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं कि आपको ये लैपटॉप 51,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। MI एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको तगड़ी मिल जाती है। तो भाई अगर आप MI Horizon की ओर जाने जाते हो, आप जा सकते हो। मैं इसके प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ, स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एंड मैं इसका माइनस पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14-inch फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 50,000 के बजट में MI नोटबुक Horizon देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक Horizon के। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट। तो चलो मैंने आपको बता दिया कि आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन भी आपको तगड़े मिल जाते हैं। लेकिन अभी इसके माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट सिर्फ इसका ये देखने को मिलता है कि आपको 8GB रैम तो मिल जाती है, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। तो उस चीज़ को आप देख लेना, आपको 12GB तक भी नहीं मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट है। इन केस अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करनी पड़ेगी रैम को, तो वो आप नहीं कर पाओगे। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, जहाँ फिर अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद भी अगर आप एनिमेशन करते हो, ग्राफिक डिजाइन करते हो, कार्टून वगैरह ड्रा करते हो, एंड भाई अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। आप जा सकते हो MI नोटबुक Horizon की। और अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है Acer Inspire 5 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, इसको यार नंबर थ्री पर रखने का सिर्फ एक रीज़न देखने को मिलता है कि आपको बजट रेंज बहुत सही मिल जाता है। आपको 45,000 के बजट में Acer Inspire 5 देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा लोडेड है। कैसे अकॉर्डिंग है, मतलब कैसे लोडेड है, ये आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आपको डिज़ाइन लुक वाइज भी बहुत अपर मिल जाता है। उसके बाद Acer ब्रांड है, ये भी ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, प्लस इसके भी स्पेसिफिकेशन आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको सीधा ही इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14-inch फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS पैनल डिस्प्ले 60 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i5 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं, आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, 45,000 के बजट में Acer Inspire 5 ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Acer Inspire 5 के भी। ये लैपटॉप भी सच में बहुत तगड़ा है। अभी बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। तो भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। प्लस सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपने चेकआउट करने हैं आप चेकआउट भी कर सकते हो। प्लस भाई मैं और भी आपको लैपटॉप के लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए गुड डील होने वाली है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करते हैं। लेकिन नंबर टू की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नंबर टू एंड नंबर वन को दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो भाई अगर आप 50,000 से अपर बजट आपका अगर हो जाता है, तो आप जा सकते हो Acer Inspire 7 की ओर, या फिर आप जा सकते हो Acer Nitro 5 की ओर। ये दोनों लैपटॉप आपको परफेक्ट डील मिल सकते हैं। तो भाई अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए, Acer Inspire 7 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, एंड उसका बजट रेंज भी बहुत सही है। वो लैपटॉप आपको 54,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया, आप चेकआउट कर लेना। अगर मैं बात करूं Acer Nitro 5 की, ये लैपटॉप आपको 57,000 के बजट में मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, Acer Nitro 5 में आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एंड भाई अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, तो यार अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, Acer Nitro 5 पर आप नॉर्मली कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप Acer जो Inspire 7 है उस पर नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। भाई कई बंदे होते हैं जिनको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए होता, अगर आप भी उनमें से आते हो जिनको गेमिंग डिज़ाइन नहीं चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए भी चाहिए, तो Acer Inspire 7 जो है वो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप जा सकते हो। अभी मैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की बात आपसे कर लेता हूँ।
तो यार एसर एस्पायर 7 के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें, इसको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को i5 9th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको GTX 16504GB मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ आपको 54,000 के बजट में Acer Inspire 7 देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं Acer Nitro 5 की। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ कि आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ आपको इसमें राइजन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, गेमिंग के लिए परफेक्ट है, वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा है। AMD राइजन 5 देखने को मिलेगा 3550H के साथ। स्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, जो कि SSD का बेनिफिट ये होता है भी अगर आप डाटा वगैरह जल्दी ट्रांसफर करना चाहते हो वो जल्दी हो जाता है एज कंपैरिजन किया जाए HDD के साथ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ इसमें भी आपको GTX 16504GB मिल जाता है। बैटरी की बात करूँ आपको 6 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ आपको 57,000 के बजट में Acer Nitro 5 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया दोनों ही लैपटॉप्स के। अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर दूंगा यार। तो भाई अगर आपका बजट 57,000 हो जाता है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, 4K वगैरह भी ट्राई करना चाहते हो, आप सभी के लिए परफेक्ट डील हो सकता है Acer Nitro 5। अगर आपको गेमिंग डिजाइन नहीं चाहिए, आपके लिए परफेक्ट हो सकता है Acer Inspire 7, आप उसके और जा सकते हो। एंड अगर आपका बजट भाई 50,000 है, 50,000 से अपर आप नहीं पे कर सकते, तो यार Acer Inspire 5 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो, एंड भाई अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप इन लैपटॉप्स पे कर सकते हो। मैं बता सकता हूं आपको सूस के लैपटॉप भी बता सकता हूं, लिनोवो के लैपटॉप वगैरह भी बता सकता हूं, लेकिन इस प्राइस रेंज में Acer बहुत ज्यादा सही कर रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने इनके जो बाइंग लिंक भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आपको चेकआउट करने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आपका बजट 40,000 ना है, 40,000 के बजट रेंज की भी मैंने वीडियो की है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, फोटो एडिटिंग के लिए चाहिए, कोई भी काम करना चाहते हो, आप सभी के लिए भी मैंने वीडियो किया, उसको भी चेकआउट कर लेना अगर आपका बजट कम है। एंड अगर आपका बजट 60,000 हो जाता है, 70,000 हो जाता है, 80,000 हो जाता है, या 200,000 तक भी हो जाता है, मैंने उस प्राइस रेंज की भी वीडियो किया, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत मेहनत से मैं वीडियो करता हूँ। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। सो आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।